हेलो एंड वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। दिस इज लेक्चर नंबर 48 एंड वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोसिव्स एज पर इंडियन एक्सप्लोसिव रूल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। क्लासिफिकेशन जो एक्सप्लोसिव्स का किया गया है उसके कंटेंट, उसकी सेंसिटिविटी के आधार पर वो इंडियन एक्सप्लोसिव रूल्स के अंदर 8 प्रकार के क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, जिसमें क्लास 1 एक्सप्लोसिव जो है वो गन पाउडर है। गन पाउडर एक काला बुरादे जैसा होता है। क्लास 2 में नाइट्रेट मिक्सचर्स आते हैं। नाइट्रेट मिक्सचर में मैकेनिकल मिक्सचर है नाइट्रेट का विथ कार्बन, क्योंकि नाइट्रेट चाहिए ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए और कार्बन चाहिए जलने के लिए, तो कार्बन किसी भी शक्ल में हो सकता है और इन दोनों के अंदर एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज नहीं है। इसके उदाहरण है जैसे एनफो है, स्लरी है, इमल्शन है, एक्वाडाइन, एनर्जेल, GN1, गोडाइन, परमाडाइन, पावर फ्लो, परमा फ्लो, पावर राइट, सुपरडाइन, सुपर जेल, टो ब्लास्ट। ये बहुत से, तो इसमें जो नाम मैंने गिनाए हैं वो ट्रेड नेम के हिसाब से है, उसके ब्रांड नेम से है, लेकिन बेसिकली दे आर ऑल स्लरी एंड इमल्शन एक्सप्लोसिव्स। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड है, जैसे कि यहां पर कंपाउंड है, इसके ऊपर नाइट्रेट मिक्सचर था, तो कंपाउंड में केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज होती है। वो ऐसा केमिकल कंपाउंड जो किसी मेटल के साथ में कंबाइन होकर के एक्सप्लोसिव बन जाता है, और ये केमिकल रिएक्शन से या केमिकल एक्शन से पैदा होता है। जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन या नाइट्रेट मिक्सचर और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसी कार्बोनेशियस सब्सटेंस पर की जाती है, ये थोड़े स्ट्रांग एक्सप्लोसिव होते हैं। और इसमें डिवीजन बनाए हैं दो। डिवीजन 1 में केमिकल कंपाउंड है या मैकेनिकल मिक्सचर है जिसके अंदर पार्टली या होली नाइट्रोग्लिसरीन होता है और दूसरा कोई लिक्विड नाइट्रो कंपाउंड होता है। इसके अंदर ब्लास्टिंग जेलेटिन, स्पेशल जेलेटिन, OCG यानी कि ओपन कास्ट जेलेटिन, और फिर एजेक्स जी, वाइकिंग जी, सोलिजेक्स जी, ऐसे कुछ ट्रेड नेम वाले भी एक्सप्लोसिव्स है, लेकिन ये बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन से बनने वाले हाई एक्सप्लोसिव्स है। डिवीजन 2 में नाइट्रो कंपाउंड्स गन कॉटन, PETN और TNT शामिल है, जो नाइट्रो कंपाउंड के अंदर शुमार होते हैं। उसके बाद क्लास 4 में क्लोरेट मिक्सचर आते हैं, जिसके अंदर क्लोरेट का प्रमाण होता है, और क्लोरेट मिक्सचर में भी 2 डिवीजन इन्होंने बनाया है। क्लोरेट प्रिपरेशंस जो होते हैं वो जिसमें पार्टली नाइट्रोग्लिसरीन या सम अदर कंपाउंड ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन टाइप, ऐसा जब मिलाया जाता है क्लोरेट मिक्सचर के साथ में, तो वो क्लोरेट मिक्सचर कहलाता है, जो क्लास 4 टाइप का एक्सप्लोसिव है। इसमें डिवीजन 2 जो है वो क्लोरेट मिक्सचर को अगर फर्स्ट डिवीजन के क्लोरेट मिक्सचर के साथ मिला दिया जाए तो जो फॉर्म होता है वो डिवीजन 2 है। इसके बाद क्लास 5 में फल्मिनेट किस्म के एक्सप्लोसिव आते हैं, और फल्मिनेट के माने है कि कोई केमिकल कंपाउंड या मैकेनिकल मिक्सचर जिसकी बहुत ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी या संवेदनशीलता डिटोनेशन की ओर हो और बहुत ही आसानी से उसके अंदर डिटोनेशन पैदा किया जा सके। इनका इस्तेमाल जनरली कैप्स में यानी कि डिटोनेट्स में होता है, और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं अनलेस दे आर हैंडल्ड केयरफुली। इसके अंदर भी 2 डिविजन्स बनाए हैं, तो फर्स्ट डिवीजन जो है उसमें फल्मिनेट ऑफ सिल्वर होता है वो, और मर्क्यूरी का और सिल्वर का फल्मिनेट होता है, या मिक्सचर ऑफ क्लोरेट विथ फास्फोरस हो सकता है, या क्लोरेट का मिक्सचर सल्फर के साथ हो सकता है जिसके अंदर कार्बोनेशियस मैटर या तो मिलाया जाए या नहीं मिलाया जाए। डिवीजन 2 में क्लोराइड विथ आयोडाइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आयोडाइड या क्लोराइड, फल्मिनेटिंग गोल्ड और सिल्वर भी होते हैं, डायजोबेंजॉल, नाइट्रेट ऑफ डायजोबेंजॉल, लेड अजाइट और टेट्राजाइन, ये हाई एक्सप्लोसिव फल्मिनेट कैटेगरी के अंदर
या क्लास फोर। क्लास सिक्स में एम्युनिशन क्लास के एक्सप्लोसिव्स आते हैं, और ये एक्सप्लोसिव्स जो होते हैं ये जनरली डिटोनेटर में इस्तेमाल होते हैं, और इसमें जो कार्ट्रिज फॉर्म में या सेफ्टी या दूसरे किस्म के जो फ्यूजेस होते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और ये कैप में, जैसा कि मैंने बताया, डिटोनेटर के अंदर अमूमन इस्तेमाल होते ही है। तीन डिवीजन इसके अंदर है, और फर्स्ट डिवीजन में आते हैं सेफ्टी फ्यूज, दूसरा इग्नाइटर कॉर्ड्स भी होते हैं, और कुछ कनेक्टर्स भी इसके अंदर शामिल है डिवीजन वन में। डिवीजन टू में जो ट्यूब्स, फायरिंग ट्यूब्स होती है कॉर्टेक्स टाइप की, या डिटोनेटिंग फ्यूजेस होते हैं, प्लास्टिक इग्नाइटर कॉर्ड होता है या इग्नाइटर्स होते हैं, वो डिवीजन टू में आते हैं। और डिवीजन थ्री में डिटोनेटर्स को शामिल किया गया है जिसके अंदर खुद का अपना इग्निशन का जरिया हो, या फिर ट्यूब टाइप के कोई फायरिंग एक्सप्लोसिव हो, जैसे कि डिटोनेटिंग फ्यूजेस होते हैं, और उसके अंदर इनबिल्ट इग्निशन की व्यवस्था होती है। सेवन में फायरवर्क्स आते हैं, यानी कि जो पटाखों में इस्तेमाल होने वाले एक्सप्लोसिव्स, और क्लास एट के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन टाइप के एक्सप्लोसिव्स आते हैं। तो ये आजकल लिक्विड ऑक्सीजन तो इतना ज़्यादा काम में आता नहीं है, पहले बहुत इस्तेमाल होता था इसका। तो ये आठ प्रकार के क्लासिफिकेशंस मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको बताया है, और ये क्लासिफिकेशन एज पर द इंडियन एक्सप्लोसिव रूल्स है। इसके साथ ही लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ, एंड वी विल कंटिन्यू विथ ओपन कास्ट एक्सप्लोसिव इन लेक्चर नंबर 49 एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।